मैंने सिक्का बदन समा दिया मोची। जैसे ही हम शब्द सुनते हैं मोची, हमारे जहन में, हमारे दिमाग में एक शख्स आता है जो बाजार में कहीं कोने में बैठा हुआ लोगों के जूते ठीक कर रहा है या उनके जूते पॉलिश कर रहा है। अक्सर मोची का यही संस्कृत भाषा में मतलब है, मगर अगर आप पाली में मोची ढूंढेंगे तो आपको जमीन आसमान का अंतर इस शब्द के अर्थ में दिखाई देगा। आपने एक शब्द सुना होगा, संकट मोचक या संकट मोचन, यानी कि संकट मोचन जो कहते हैं वो कहते हैं कि संकट में जो हमें बचाए, जो संकट से मुक्ति दिलाए, उसको संकट मोचक कहते हैं। और मोचन जो होता है वो बोलते हैं मुक्ति को, यानी कि जो मुक्ति दिलाए उसे मोचन बोलते हैं, और जो मुक्ति प्राप्त कर लेता है उसको बोलते हैं मोची। अब सवाल ये उठता है कि मुक्त किस चीज से हुए हैं? अपने पाप से, अपने राग से, अपने जो देश हैं, जो मोहमूर्ता के जो बंधन हैं, जो ईर्ष्या क्रोध है, जो लालच है, उससे मुक्त हुए हैं। उससे मुक्त हुए किसी भी व्यक्ति को जो अर्थ होता है उसको मोची बोला गया है। यानी कि जो मुक्ति प्राप्त जिसकी हो गई, जिसका सारे, जिसके भव सागर कट गए, जिसके सारे पाप पुण्य यहीं पृथ्वी पे खत्म हो गए, जो भगवान बुद्ध का सबसे उच्चतम सावक और शिष्य रहा है, जिसको अर्हत बोलते हैं, जो सबसे उत्तम पद का हकदार और मालिक रहा है, उसको बोलते हैं कि ये मोचित हो गया, ये मोची हो गया, अब वो मोची है। यानी कि जो मुक्त हो चुका है उसको पाली भाषा में मोची बोलते हैं। मोचेती का मतलब होता है मुक्त करता है, यानी मोचेती अगर शब्द कहीं है तो उसका मतलब मुक्त करता है, और मोचक और मोचन का मतलब है मुक्त करने वाला या छुड़ाने वाला, और मोचापन का मतलब है मुक्त करना, और मोच का मतलब कहीं कहीं ऐसा भी आता है जैसे मोच या मोख या मोक्त या मुक्ति, इसको केला कंदली भी कहीं कहीं बोलते हैं, क्योंकि जैसे केले के छिलके उससे मुक्त हो जाते हैं और फल प्राप्त होता है, वैसा ही इसका भी उपनाम एक पड़ा हुआ है, केला। तो ये जो संकट मोचक है और ये संकट मोचन है, ये दरअसल वही लोग हैं जो भगवान बुद्ध के सबसे परम शिष्य रहे और जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करके, बहुत ज्यादा पढ़ के अर्हत पद को प्राप्त किया, और ये सारे अर्हत भिक्खु रहे। अगर आपको कोई अर्हत भिक्खु मिले और सामने अर्हत भिक्खु जाए तो आप उसको कैसे कह सकते हैं कि वो मोची है, क्योंकि मोची जो होता है, जो मुक्त हो चुका हुआ होता है, उसको मोची बोलते हैं। और मोची बहुत सम्मानजनक शब्द है संस्कृत भाषा में। बाद में खास तौर से जो पाली के सबसे ऊंचे शब्द हैं, जो सबसे गौरव वाले शब्द हैं, उनकी क्योंकि शिक्षा चली गई और यहाँ से भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं वो चली गई, उनके सावक संघ जो शिष्य संघ था वो चला गया, उनकी जो मूर्तियां थी वो तोड़ दी गई, खंडित कर दी गई, तो वो शब्द भी गाली बन गए, और वो शब्द आज तक भी उन लोगों के साथ चिपके हुए हैं जो लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और सबसे ज्यादा ऊंचे थे। मैंने बहुत सारे शब्द आपको बताए हैं, आप देखेंगे शब्दसार में तो आपको ताज्जुब होगा कि जो शब्द आज के समय के जो दबे कुचले लोग हैं उनकी गाली हैं, वो उस समय के सबसे ऊंचे और सम्मानीय शब्द रहे हैं। धन्यवाद। टीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने पोर्टल पर, अपने यूट्यूब पर, अपने फेसबुक पर या किसी भी जो भी ऐप है उस पर आप यहां से डाउनलोड कर टीम 22 से या फेसबुक से या मेरे पेज से कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपने नाम का कुछ भी ऐड कर सकते हैं या अपनी कमेंट्री कर सकते हैं, उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं, उसका प्रिंट मटेरियल भी बना सकते हैं, उसको किसी भी भाषा में आप बदल सकते हैं, उसका ऑडियो चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं, आप जैसे भी चाहें टीम 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमेशा कॉपीराइट फ्री थी और हमेशा कॉपीराइट फ्री रहेंगी। हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुरुषों की जो बातें हैं उन बातों को हम सरल भाषा में, आम भाषा में आप तक पहुंचा देते हैं। अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भाषा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेजकर या इसका लिंक भेजकर या इसमें से कोई भाषा बदलकर या इसको प्रिंट कर या इसको लोड कर या डाउनलोड कर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट कर जैसे भी चाहें वैसे इसको आगे पहुंचाएं।
धम्म की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि धम्म दान, धम्म को देना, सभी देने में यानी जितना भी हम किसी को देते हैं, दान देते हैं, उनमें सबसे बड़ा माना जाता है। अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परेशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए, हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे। आप धम्म की सेवा में सहायक बने, धम्म आपको खूब लाभ देगा, धम्म आपको लाभ देगा, आप धम्म को लाभ देंगे, ये दोनों इंटरचेंज है, यही धम्म की प्राकृतिक नियम है। धन्यवाद। Shut up.